इंदौर में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, खुदरा मार्केट में 25 रुपए प्याज का दाम, 76 साल के इतिहास में पहली बार सरकार ने किया ऐसा काम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल रविवार को इंदौर आए, वे मीडिया से रूबरू हुए। इंदौर के अभय प्रशाल स्थित बीजेपी के मीडिया सेंटर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की बड़ी जीत निश्चित है, डबल इंजन सरकार मध्य प्रदेश में फिर से बनेगी। मैंने आज सुबह इंदौर की सीटों की स्टडी की है, यहाँ पिछली बार हमारी 5 सीटें थी, इस बार पूरे संभाग में भाजपा क्लीन स्वीप कर रही है। प्याज के बढ़े हुए दाम को लेकर गोयल का कहना था कि प्याज का हर वर्ष एक सीजन होता है, अक्टूबर नवंबर में प्याज आने लगते हैं, लेकिन इस साल बारिश के कारण लेट खरीदी हुई जिससे प्याज समय पर नहीं पहुंची। लेकिन भारत के 76 साल के इतिहास में पहली बार केंद्र सरकार ने किसानों से महंगी प्याज खरीदकर खुदरा मार्केट में 25 रुपए में उपलब्ध करवाया है। इसका भार खुद सरकार ने अपने ऊपर लिया है। 18 सालों में प्रदेश बीमारू राज्य से निकलकर विकासशील राज्य बना है। आने वाले अमृतकाल में देश एक विकसित देश बनेगा जिसमें मध्य प्रदेश उसका एक अहम राज्य होगा। इंदौर में उद्योगों का विस्तार इसकी बड़ी वजह है। गोयल ने इंदौर वासियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि इंदौर ने लगातार 6 बार नंबर 1 आकर कीर्तिमान स्थापित किया है। मुझे हैरानी होती है कि इंदौर के लोगों ने सामूहिक प्रयास से एकजुट होकर एक शहर को लगातार 6 बार देश में सबसे स्वच्छ शहर बनाया। गोयल ने आगे कहा कि इंदौर जितनी बार आना होता है उतना ही आनंद हर बार बढ़ता है। सुबह सुबह यहाँ के पोहे का भी आनंद लिया है। इंदौर की दुनिया में चर्चा, हमारे देश और प्रदेश की बेटियों को अच्छी शिक्षा मिले, उनका कौशल विकास हो, इसके लिए प्रदेश और केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। आरक्षण की बात करते हुए गोयल ने कहा कि राजनीति के क्षेत्र में अब महिलाएं अपनी भागीदारी को निभाएंगी, ये गर्व की बात है। इंदौर सिर्फ स्मार्ट सिटी ही नहीं, एक ऐसा शहर है जिसकी दुनिया भर में पहचान है। G20 जब यहाँ से हुआ था उसकी भी पूरे विश्व में चर्चा है। सराफा बाजार को याद करते हुए गोयल ने कहा कि पिछली बार आया था तो मैं रात में गया था, तभी ध्यान आया कि G20 में आए मेहमानों को भी सराफा बाजार घूमना चाहिए था। अगली बार अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम इंदौर में होगा तो मेहमानों को पूरे शहर से रूबरू कराया जाएगा। इस शहर की विशेषता ही हम सबको गौरवान्वित करती है। कमलनाथ पर निशाना, मध्य प्रदेश देश की आस्था का भी स्तंभ है, महाकाल लोक इसका उदाहरण है, इसके चलते आसपास के शहरों तक रोजगार बढ़ा है। कमलनाथ पर निशाना साधते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि कमलनाथ का अब एकमात्र उद्देश्य है अपने बेटे को गद्दी पर बैठाना। वो स्वयं अकेले हो गए हैं, उनके साथ आप पार्टी भी नहीं है, किसी तरह के लेटर लिखने से अब जनता को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि कमलनाथ जैसे भ्रष्टाचारी नेताओं को अब प्रदेश में नहीं लाना है। जनता इस बात से वाकिफ है कि कमलनाथ ने कैसे देश विदेश पर अपने महल और संपत्ति खड़ा कर लिए हैं। उनके सामने बीजेपी के ईमानदार कार्यकर्ता जिस तरीके से मेहनत करते हैं, अब जनता भी उन्हीं के साथ जाएगी। इंडिया में कांग्रेस की भूमिका पर उठाए सवाल, कमलनाथ और कांग्रेस के बारे में अखिलेश यादव ने जो कहा ये सर्वविदित है। इसके अलावा नीतीश कुमार यहाँ अलग दुखी हैं। ये कैसे इंडिया अलायंस है जो बनने से पहले ही बिखरना शुरू हो गया है। चुनाव में एक दूसरे के सामने खड़े हैं, हर राज्यों में एक दूसरे के सामने प्रत्याशी खड़ा कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए गाली गलौज करते हैं। कर्नाटक तमिल में भी उनका आपस में झगड़ा चल रहा है। ये अलायंस कभी अस्तित्व में आ ही नहीं पाए। इंदौर का तो हम सुबह अब आकलन ले रहे थे हर एक सीट का। इंदौर में तो पिछली बार हमारी 5 सीटें थी, इस बार जो अंदाजा आ रहा है इस बार हम स्वीप करेंगे पूरे इंदौर संभाग। भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। एक डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, भाजपा की अच्छी सरकार मध्य प्रदेश में और तेज गति से विकास लाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।